This conference will now be recorded. गुड इवनिंग। आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 30वां अध्याय देखने जा रहे हैं और ये हमारे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की समाप्ति की तौर पे हम यह अध्याय देखेंगे। इसके और पहले हमने जो अध्याय देखा था शस्त्र कर्म विधि अध्याय, और शस्त्र कर्म विधि अध्याय में शस्त्र साध्य रोगों में वर्णित जो उपक्रम वर्णन किए थे उसमें दाह कर्म का भी उल्लेख था। इस अध्याय का चूंकि नाम क्षाराग्नि कर्म विधि अध्याय है, इसमें क्षार कर्म और अग्नि कर्म इन दोनों के ही द्वारा दहन कर्म होता है, और शल्य तंत्र में विशेषतः दहन कर्म एक उपचार के तौर पे देखा गया है। चाहते हैं तो विशेषतः अष्टांग सूत्र संग्रह सूत्र स्थान का 39वां और 40वां अध्याय, चरक चिकित्सा स्थान का 25वां अध्याय, चरक चिकित्सा स्थान का 5वां अध्याय, सुश्रुत सूत्र स्थान का 11वां एवं 12वां अध्याय, इन अध्यायों पर एक अध्ययनकर्ता या चिकित्सक ने गौर देना चाहिए क्षाराग्नि कर्म के बारे में। ठीक है, तो आगे जाएंगे। विशेषतः इस अध्याय की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें दो शब्द आते हैं, जैसा हमने कहा क्षार कर्म और अग्नि कर्म, और इन दोनों का ही विस्तृत रीत्या आवश्यक है उतना वर्णन हमें अष्टांग हृदयकार करते हैं। तो हम आज देखने जा रहे हैं क्षाराग्नि कर्म विधि अध्याय। ठीक है, तो एक सबसे पहले क्षार कर्म के बारे में वर्णन आया है। तो सर्व शस्त्राणुशस्त्राणाम क्षारः श्रेष्ठो बहुनीयत, इस प्रकार से क्षार की श्रेष्ठता वर्णन की है। अब क्षार है क्या, तो आपको संक्षेपतः बताने के लिए ये अल्कलाइन मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, इसका एक प्रोसेस विधि रहेगी बनाने की, और उससे दहन कर्म होगा, कॉटराइजेशन होगा, इसलिए इसको अल्कलाइन पॉटरी भी कहा जाता है। अल्कलाइन होने की वजह से जब ये कृति करेंगे क्षार बनाने की तो वो उसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होना चाहिए, ये हमने भूलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्षार की प्रशंसा हमें यहाँ दिखाई देती है। क्षार की प्रशंसा करते हुए वाग्भटाचार्य जी बताते हैं उपयोगिता के दृष्टि से क्षार ये जो पदार्थ है वो शस्त्रों एवं अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठो बहुनी, या श्रेष्ठ का मतलब यहाँ पे प्रधान या उत्तम ऐसे हमने लेना चाहिए, क्योंकि शस्त्र हो या अनुशस्त्र हो विशिष्ट जगह पे ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन विषम स्थलों पे छेदन भेदन या लेखन कर्म के लिए क्षार ही उपयुक्त ठहरता है। शस्त्र का वहां पे काम नहीं पड़ता या शस्त्र को हम काम में नहीं ला सकते, इसलिए क्षार की श्रेष्ठता या उत्तमता बताइए। विशेषतः नासार्ष, अर्बुद इत्यादि रोगों में शस्त्रों का प्रयोग करना कठिन हो जाता है, और उस वक्त क्षार प्रयोग करने पे हमें सफलता मिलती है, और इसलिए कष्टसाध्य रोगों पे भी बाह्य क्षार की जगह अपन अगर पानीय क्षार यानी क्षार का अभ्यंतर प्रयोग करने के लिए देंगे तो उसका भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। अतिकृष्टेषु रोगेषु यच्च पाने अपि युज्यते, यानी उसका आभ्यंतर प्रयोग भी किया जा सकता है कष्टसाध्य रोगों के लिए, और इसलिए उसकी श्रेष्ठता है। बाजू में इस स्लाइड में आपको देखेगा कि सुश्रुत सूत्र स्थान के 11वें अध्याय का भी हमने श्लोक दिया है, और वह भी सुश्रुताचार्य जी है वो इस मत को ही प्रदर्शित करते हैं कि विशेषतः शस्त्र अनुशस्त्र में ये प्रधानतम है, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है,
यहाँ चिंतन योग्य बात यह है कि सुश्रुत सूत्र स्थान 11वें अध्याय में सद्विदाहा प्रतिसारणिया पानीयाहा इस पद्धति से क्षार के दो प्रकार बताए जाते हैं। प्रतिसारणीय यानी बाह्योपचार के लिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, और पानीय यानी आभ्यंतर प्रयोग के लिए, इंटरनल एप्लीकेशन या पीने के लिए। इस पद्धति से दो प्रकार से उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे उसका एक उदाहरण पीने के लिए सोडा वाटर भी हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बता। अभी क्षार का वर्गीकरण ही हम देख रहे हैं, तो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसका प्रतिसारणी यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, पानी यानी इंटरनल यूज, ऐसे उसका कैटेगराइजेशन होता है, वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उसकी तीक्ष्णता कैसी है, गुणधर्मों की दृष्टि से उसको मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण, माइल्ड, मॉडरेट, हाई, ऐसे भी उसका वर्गीकरण किया गया है। और उसके ओरिजिन यानी उसमें जो तत्व है, उसका जो बेस मटेरियल है, वो हर्बल है, मिनरल है या एनिमल है, यानी वनस्पति, जो खनिज और प्राणिज, ऐसा उसका त्रिविध वर्गीकरण भी किया जा सकता है। और उसको किस पद्धति से बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन भी, उत्तम, मध्यम, अधम, तो ये परीक्षा है क्षार उत्तम बना है या मध्यम बना है, उसको हम देखने वाले। इस दृष्टि से चार प्रकार का वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है, जो ये ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वर्गीकरण। अभी अष्टांग हृदय की तरफ और जाते हुए देखेंगे कि पानीय क्षार विशेषता यानी आभ्यंतर उपयोग उसका कहाँ किया जाता है। तो पानीय क्षार विशेषता अर्श यानी हिमोराइड्स, मंदाग्नि, मंदाग्नि यानी जिसका विशेषता अग्नि मंद है यानी जिसको भूख नहीं लग रही है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अश्मरी, मूत्राश्मरी, यूरिनरी कैलकुलाई, गुल्म, विशेषता गुल्म शब्द ये विविध प्रकार के एब्डोमिनल ट्यूमर्स के बारे में आया है, उदर विकार, विष विकार इत्यादि से विशेषता हम यहाँ पे उसका अर्थ सीधा सीधा ले सकते हैं, अजीर्ण, अरुचि, गैसेस या कृमि, ऐसे प्रकार के व्याधियों में पानीय क्षार का उपयोग किया जाता है। अभी ये पानीय क्षार क्या है, अभ्यंतर प्रयोग के लिए, इंटरनल यूज के लिए। अभी प्रतिसारणीय क्षार के बारे में बताते हैं। प्रतिसारणीय क्षार के इंडिकेशंस, किन व्याधियों में, किन स्थितियों में हम प्रतिसारणीय यानी बाह्योपचार के लिए क्षार का उपयोग कर सकते हैं। तो योज्याः साक्षात्, इस प्रकार से इस श्लोक में बताया है, मश यानी मशक इस चित्र में दिया गया है, देखिए कर्ण के ऊपर इस स्त्री को पीछे एक मशक यानी जिसे मराठी में मस, अंग्रेजी में मोल या वॉर्ट भी कहते हैं, तो उस व्याधि में मस्सा ऐसा हिंदी में कहा जाता है। श्वित्र ये क्या है, सफेद कोड या ल्यूकोडर्मा। बाहरी अर्श यानी एक्सटर्नल पाइल्स तो इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बाह्यार्श में विशेषतः विभिन्न त्वचा विकारों में कुष्ठ, सुप्ति यानी जहां पे त्वचा में बिल्कुल ही टच सेंसेशन नहीं है, ऐसी जगह को सुप्ति लक्षण कहा जाता है। भगंदर यहाँ पे नीचे जो चित्र दिया गया है, तो भगंदर यानी फिस्चुला। ठीक है, नाड़ी वरण होता है और नाड़ी वरण आर पार बिल्कुल रेक्टम तक या यूरिनरी ब्लैडर तक भी जा सकता है, इस व्याधि को भगंदर कहा जाता है। उसके बाद बताया है अर्बुद, सो दीज आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ, ऐसे नहीं कहेंगे ये मैलिग्नेंट ही होती है, नॉन मैलिग्नेंट और मैलिग्नेंट दोनों के लिए ही अर्बुद शब्द का प्रयोग किया गया है। बाद में बताया है ग्रंथि, ये ग्रंथि जो है ये विशिष्ट ग्लैंड्स के लिए रोग विशेष है, ये दूषित नाड़ी व्रण इत्यादि स्थानों पे, विशेषता अभी अगर आज की भाषा में कहे तो चर्मकील यानी मस्से, वॉर्ट्स, नेच्छ, विविध प्रकार के त्वचा विकार, इस विविध और मुख रोगों के बारे में ही विशेषता उपकोष, अधिजिह्वा, उपजिह्वा, विशेषता सर्पदंश, वृश्चिक दंश, इन विविध व्याधियों में प्रतिसारणीय क्षार का यानी बाह्योपचार क्षार का किया जा सकता है। ठीक है, जब कहा करना है, इंडिकेशंस देखने के बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी देखना बहुत जरूरी है। क्षार प्रयोग किसमें नहीं करना है, विशेषतः दोनों प्रकार के इकट्ठा बताए,
पानी अक्षर हो यानी अभ्यंतर प्रयोग हो या बाह्य प्रयोग हो, दोनों दृष्टि से नहीं करना चाहिए। कौन सी स्थितियों में, इसकी तालिका यहाँ पे हमें मिलती है पांचवें श्लोक, चौथे श्लोक से लेकर सातवें श्लोक तक। तो निम्नलिखित रोगों में नहीं करना चाहिए, विशेषतः पित्तज रोग, रक्तज रोग, वातज रोग, दुर्बल रुग्ण या व्यक्ति, ज्वर, अतिसार, हृदय विकार, शिरो रोग, पांडु रोग, अरुचि, तिमिर, वमन विरेचन द्वारा संशोधन जिसका किया गया है, संपूर्ण शरीर में अगर शोथ या शोफ हो तो जो बिल्कुल ही डरपोक ऐसा व्यक्ति है उसको भी क्षार प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सहत्व अच्छा क्षार कर्म के लिए एवं अग्नि कर्म के लिए भी लगता है। गर्भिणी, रजस्वला ऐसे प्रकार के व्याधियों में नहीं करना चाहिए, स्थितियों में नहीं करना चाहिए। बाद में फिर बताया अजीर्ण, बालक, वृद्ध, मर्म स्थानों पे, करुणास्थि जहाँ पे है, कार्टिलेजस जहाँ पे है, ऐसे स्थानों पे जहाँ सिरा है, स्नायु है, नाभि विशेषतः, या मांस बिल्कुल ही अल्प है ऐसे स्थान पे, और कुछ और विशेष बताए हैं जैसे पुरुषों में अंडकोष, टेस्टिस, लिंग प्रदेश, नख के भीतर, ठीक है, ऐसे व्याधियों में नहीं करना चाहिए। वर्म रोग केवल एक नेत्र रोग है जिसमें क्षार का प्रयोग किया जा सकता है, इसके सिवा अन्य नेत्रों रोगों में बिल्कुल ही क्षार का प्रयोग नहीं करना है। शीतकाल, वर्षाकाल, उष्ण यानी ग्रीष्मकाल या दुर्दिन, ऐसे स्थितियों में भी क्षार का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए प्रतिसारणी, क्षार के मृदु, मध्य, तीक्ष्ण, ऐसे तीन जो भेद बताए हैं, आवश्यकता अनुसार उसका मृदु क्षार का उपयोग बिल्कुल ही किसी किसी स्थानों में इन निषिद्ध व्याधियों में भी किया जा सकता है, लेकिन वो बिल्कुल ही अनुभवी चिकित्सक के द्वारा, ठीक है। आगे जाएंगे, यहाँ पे बताया है क्षार निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि श्लोक नंबर 8 से लेके 20वें श्लोक का आधा भाग तक ये जो सभी श्लोक आए हैं ये हमें क्षार निर्माण विशेषतः हमें बताते हैं डिटेल में, और विशेषतः पहले बताते हैं जो मध्यम क्षार जो है, जैसे मैंने बताया तीक्ष्णता की दृष्टि से वाग्भटाचार्य ने मृदु, मध्य, तीक्ष्ण ऐसे भेद भेद ऐसा बता के नहीं बताया, लेकिन बनाने की कृति में ही वही मध्यम तीक्ष्ण ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। देखिए सबसे पहले कौन सी वनस्पतियों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है वो सबसे पहले बताया है, जैसे कालमुष्कक, अमलतास, केला, पारिभद्र, अश्वकर्ण, महावृक्ष यानी सेहुंड, पलाश, देन कोविदार जो मानदार भेद है या जिसको अश्वमंतक भेद भी कहते हैं, कुटज, इंद्रवृक्ष या अर्जुन, देन पुतिकरंज, देन करंज, कनेर या अश्वमार्ग, अपामार्ग, अरणी, चित्र तथा लोध्र, ऐसे वनस्पतियों के गीले मूल यानी फ्रेश शाखा इत्यादि को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर चारों प्रकार की कोशातकी, पत्ते, फूल सहित लता, जव के सूखे नाल, इस प्रकार से इन सब वनस्पतियों को लिया जाता है और इनको हवा रहित स्थान में रख कर उनका ढेर लगाया जाता है। बाद में फिर चूने के पत्थरों को यानी शुक्ति, लाइमस्टोन्स, ठीक है, इनको विशेषतः उनमें रखा जाता है और तिल की लकड़ियों से इन सभी द्रव्यों को जलाया जाता है, ठीक है। अग्नि जब बुझ जाएगी तो उस चूना के जो पत्थर होते हैं उनको उससे अलग निकाल देते हैं और फिर यह चूना जो है वो एक द्रोण यानी लगभग 1024 तोला इतने पानी में अमलतास इत्यादि भस्म को एक द्रोण पानी में और विशेषतः मोखा यानी कालमुष्कक ये जो वनस्पति है इनको यानी सवा द्रोण इतने प्रमाण में लेना चाहिए। अभी देखिए इन सब को पानी में भिगोना है या पानी में इसको क्या करना है हम क्या करेंगे उसको डिसॉल्व करना है, ठीक है। और डिसॉल्व करने के बाद उस घोल को विशेषतः गोमूत्र में घोल कर मोटे वस्त्र में डालकर उसका जलीय भाग जो है वो छान लेना है
और उसको अलग से पकाना है। जब उसको अलग से पकते पकते लग जाए वो, तो थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो उस क्षारीय द्रव्य को लोह पात्र में डाल देना है। फिर उसको चूने के फूके हुए पत्थर, जैसे हमने यहाँ पे देखे लाइमस्टोन, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइमस्टोन, शुक्ति लिया जा सकता है, उसको पाउडर करके उसमें डालना है, ठीक है। और फिर इस क्षार द्रव में और कुछ क्षारीय पदार्थ भी डाल सकते हैं, जैसे मुर्गा, मोर, गिद्ध, कंक, कबूतर, इनका मल, इनको भी पीस कर डाला जा सकता है। और फिर और कुछ चीजें भी बताई है, इनको भी इसमें डाल के जब उस क्षार द्रव को पकते पकते भाप युक्त बुलबुले उठने लगते हैं, वह क्षार अवलेह के सदृश गाढ़ा हो जाता है, तब कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार ले और शीतल हो जाने पर उस लोहो पात्र को जौ के ढेर में रख दे। ये एक मध्यम क्षार बनाने की विधि यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बताई है, ठीक है। तो इसको आगे ले जाते हुए हम थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे और एक उत्तम हमें प्रिपरेशन पद्धति बने या दिखे, इस प्रकार से एक वीडियो को हम पहले शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको हम थोड़ा आगे ले जाएंगे, ठीक है। ये भगंदर की चिकित्सा करने वाले डॉक्टर हैं और ये आगे जाएंगे थोड़ा, ये अपामार्ग वनस्पति है, ठीक है। विशेषता 11th चैप्टर सूत्र स्थान का जो है, तो उसमें हमें यह वर्णन मिलता है क्षार पाक विधि अध्याय, तो उसमें विशेषता अपामार्ग चित्र की इन वनस्पतियों का वर्णन है, उनको द्रव्यों को लेना है। ये सामने जो स्लाइड में अभी दिख रहा है आपको वीडियो में, ये अपामार्ग है, जिसे मराठी में हम आगाड़ा भी कहते हैं, गणपति के लिए पूजा करने के लिए ये चीज विशेषता महाराष्ट्र में यूज की जाती है। इस अपामार्ग का जो है वो पंचांग यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा सूख जाने के बाद इस प्रकार से छाया शुष्क करना है, फिर इसको जलाना है, ठीक है। जलाने के बाद उसका ऑक्साइड या राख तैयार हो जाएगी, उस राख को हमने पानी में घोल देना है। देखिए, ये राख कलेक्ट किया हुआ ऐश जो है उसका 1 किलो इसके ऐश लेना है या राख लेना है, और फिर उसको 4 लीटर पानी उसमें घोल देना है। ओके, तो ये उसमें डालने के बाद पूरा घोल बना देते हैं, ठीक है। देखिए, डॉक्टर प्रवीण है, उनका स्लाइड हम यहाँ पे वीडियो ले रहे हैं। देखिए, फिर इसको पूरा वो जो राख है उसको घोलने के बाद इक्कीस बार इसको छानना है, क्षारपाक विधि अध्याय में बताया है, क्योंकि इसमें कण जो है वो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तो इसको चौपदरा या 6 पदर लेके भी बिल्कुल अच्छे वस्त्र से इसको छाना जा सकता है, ठीक है। अभी उसमें जो कल्क डालना है वो चित्रक मूल का है, तो चित्रक मूल कल्क डालने के लिए उसको देखो घिसा जा रहा है, ये चित्रक मूल को कल्क का जो है पहले, ठीक है। तो कटाह इस शब्द का सुश्रुताचार्य उपयोग प्रयोग करते हैं, यानी कढ़ाई। तो लोह पात्र लेना है, उसके ऊपर वापामार्ग का लेना है। देखिए, पीएच पेपर, ओके, पीएच पेपर ब्लू हो रहा है, रेड का मतलब वो जो मटेरियल है वो अल्कलाइन है, ठीक है। तो आज के साधनों का इस प्रकार उपयोग करते हैं। ये आयुर्वेद कॉलेज का ही एक बैच है डॉक्टर प्रवीण के साथ, ठीक है। तो ये
रेड कलर उस द्रव को जब आता है तो उसको फिर छाना जाता है, तो क्षारोदक जो है वो 400 ml बाहर निकाल के रखा है। और देखिए यहाँ पे जो दूसरा देख रहे हैं आप, शुक्ति देख रहे हैं, विशेषता शंख नाभि का इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पे किया है, जिसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है केमिकली। ओके, उसको फ्राई किया जा रहा है और वो क्षार के 1 दशांश प्रमाण में होना चाहिए। ओके, तो उस शंख को बिल्कुल गर्म करना है और जो थोड़ा क्षारोदक बाजू में निकाला था 400 ml उसको उसमें डाला है और उसको पकाया जा रहा है फिर, ताकि वो पाउडर हो जाए अच्छे से, और फिर उसको इसमें इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से घोल बनाया जा रहा है। तो वो पूरा उसमें जो है, ओके, तो अगर जरूरत है कुछ कण बाकी है उसमें या टुकड़े बाकी है तो देखिए वो सील बत्ते से बत्ता जो है उसमें हिलाया जा रहा है, और लोह कटा है यानी लोहे की ही कढ़ाई यूज की जा रही है। ठीक है, देखिए ये हो गया लाइमस्टोन का फिल्ट्रेट तैयार, और फिर उसको जो है और अच्छे से छान लेना है उसको अच्छे से। ठीक है, अरे बाय मिस्टेक आई थिंक आई हैव रिप्लेड इट। ओके, आगे जाएंगे। ठीक है, ये लाइमस्टोन का जो है वो फिल्टर किया। ठीक है, तो ये अपामार्गक क्षारोदक है, अपामार्गक क्षार में वो क्षारोदक में फिर वो लाइमस्टोन का मिक्सचर जो है वो डाला गया। ओके, अगेन वो दोनों को इकट्ठा मिला के फिर, ओके, फिर देखिए तो अपामार्गक क्षारोदक और लाइमस्टोन ये दोनों का इकट्ठा मिश्रण जो है इसको मध्यम क्षार किया है, कहा है, और मध्यम क्षार को तीक्ष्ण बनाने के लिए फिर दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली इनमें से एक द्रव्य का प्रयोग जो है किया जा सकता है, 1 दशांश मात्रा में, जो हमने लाइमस्टोन या शुक्ति यूज की थी, शंखनाभि यूज की थी, उसके 1 दशांश प्रमाण में उसको कल्क को मिलाना है, तो ये हो जाएगा तीक्ष्ण क्षार तैयार। ठीक है, देखिए जो क्षारोदक बाजू में यूज किया है उसको ही, उसको धोने के लिए या मिलाने के लिए वो सब औषधि द्रव्य यूज किया जा रहा है, सादा पानी नहीं है। अभी देखिए ये शास्त्रोक्त तो परीक्षा है, एरंडनाल जो है उसका प्रयोग करना है, एरंडनाल उसमें डुबाया है, एरंडनाल यानी एरंड का जो वनस्पति रहती है कैस्टर ऑयल ट्री, उसका पत्ते का डंठल, तो वो ग्रीन डंठल जो है ग्रीन कलर का, हरे कलर का, वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ये उसकी परीक्षा है। देखिए आपको ये बेस में ग्रीन दिखाई दे रहा है और आगे जो डीप पोर्शन है वो ब्राउन है, तो ये क्षार तैयार हो, ना ती द्रव ना ती सांद्र, ऐसे क्षार का स्वरूप होना चाहिए। ठीक है, हॉटनेस की वजह से वो रेंडनाल का कलर हुआ है तो गर्म पानी में सिर्फ हुआ है तो कलर चेंज नहीं हुआ, गर्म पानी डबोने के बाद गर्म पानी में एरंडनाल जो है वो फिर ग्रीन, अगर वो क्षार में ये डाला तो उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब ये उसका सिद्धि परीक्षा है कि क्षार पूरे से तैयार हो गया। फिर इसको ड्राई किया जाएगा और फिर उसको उपयुक्त किया जाएगा। तो
ये प्रिपेयर्ड क्षार जो है वो फिर प्रिपेयर्ड क्षार जो है वो फिर यूज किया जाएगा एक बड़े मुंह वाली बॉटल में उसको रखाया जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षार की जो है वनस्पतियां उसमें कौन सी है, इंग्रेडिएंट्स कौन से है, उसके ऊपर उसकी तीक्ष्णता डिपेंड है। अभी हमने देखा, देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल अष्टांग हृदय का स्पष्ट बताते, तो मध्यम क्षार का हमने देखा, फिर मृदु क्षार बनाने की विधि आगे बताते हैं 20वें और 21वें श्लोक में, तीक्ष्ण क्षार बना के 20वें श्लोक में बताया है मृदु क्षार के निर्माण में चूना तथा सीप यानी लाइमस्टोन इत्यादि द्रव्यों को पीसकर मिलाया नहीं जाता, यानी प्लेन आप अपामार्ग प्लेन चित्रक अगर यूज किया जाएगा तो उसको मृदु क्षार कहा जाएगा, विशेषता अपामार्ग जैसी वनस्पतियों के लिए। केवल उस क्षारीय जल में मात्र उसको बुझा दिया जाता है, यानी उसको मिलाया नहीं जाएगा, सिर्फ चूना या सीप को गर्म करके उसमें डुबोया जाएगा। इस विधि को मृदु क्षार पद्धति कहेंगे। और तीक्ष्ण क्षार अगर बनाना है तो मध्यम क्षार की भांति ही कृति की जाती है, लेकिन इसमें चूना तथा सीप को बुझाकर पीसकर मिला दिया जाता है, जैसे हमने इस कृति में देखा। और फिर इसमें कलिहारी कंद यानी लांगली, दंती मूल, चित्रक के मूल की छाल, अतसी, वचा, सज्जी क्षार, हिंग, पूती करंज इत्यादि जो चूर्ण है वो मिलाए जाते हैं। इस कढ़ाई को 7 दिन तक जौ के ढेर में दबाकर रखने से फिर प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे जो जौ का ढेर है उसकी उष्णता का प्रयोग करने के लिए कहा है। ठीक है, आगे ये जो हमने अभी सब डिटेल देखे वही यहाँ पे बताए, ड्राई अपामार्ग प्लांट, ठीक है, उसमें वो ऐश जो है वो 6 टाइम्स यानी 6 गुना पानी में मिलाना है, और उसको 21 बार क्लॉथ में से या कपड़े में से छानना है, और जो आपको मिलेगा सॉल्यूशन वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पानी जैसा, और फिर या काउज यूरिन कलर होना चाहिए यानी थोड़ा सा गोमूत्र के रंग जैसा, फिर उसको उस फिल्ट्रेट को बॉईल किया जाएगा और इवेपोरेट किया जाएगा उसमें से अतिरिक्त द्रव जो है, और फिर उसमें रेड हॉट लाइम स्टोन जो है वो मिलाए जाएंगे। ठीक है, और फिर माइल्ड हीटिंग कंटिन्यू किया जाएगा जब तक वो 1/3 नहीं हो जाए, फिर उसमें अगर आपको तीक्ष्ण बनाना है तो 1/10 प्रमाण में उसमें चित्रक कल्क डालना है, जो हमने पूरा इसमें अभी वीडियो में देखा। ठीक है, इस स्लाइड में भी आपको पूरी वही विधि दिखाई दे रही है, देखिए उसको ड्राई किया, ठीक है, उसके बाद बर्न किया, फिर उसका ऐश हुआ, ऐश बनने के बाद उसको थोड़ा सा बॉईल किया, उसको घोला, फिर घोल जो है वो इस प्रकार से मिलाया, और फिर उसको गालन किया, ठीक है, और फिर उसको स्थापन किया यानी उसको सेट होने दिया, जो नीचे वाला गाढ़ा भाग है उसको फिर बॉईल करके इस प्रकार से क्षार को ऑब्टेन किया और स्टोर किया इस पद्धति से। ठीक है, तो त्रिविध क्षार की जो योजना है वो किस पद्धति से की जाती है वो आगे बताया है, तीक्ष्ण मध्य मृदु क्षारों का प्रयोग जो है वो 22 और 23 नंबर वर्स में दिया गया है। तीक्ष्ण क्षार का प्रयोग वातज, कफज और मेदोज अर्बुद में करना चाहिए। मध्यम क्षार का उपयोग मध्यम कोटि के क्षार साध्य रोगों में करना चाहिए, और मृदु क्षार का उपयोग पित्तज एवं रक्तज अर्शों पे यानी हिमोराइड्स पे करना चाहिए। ठीक है, विशेषतः बल यानी शक्ति प्राप्त करने के लिए जब क्षार गाढ़ा हो जाए तो क्षार विधि से निकाला हुआ क्षार जल जो है तो उसमें मिलाकर पीने के लिए देना चाहिए, यानी वो जो पानी जो है गाढ़ा भाग, तो गाढ़ा भाग से क्षार बना दिया, ऊपर का जो पानी है वह बल प्राप्ति के लिए देने को कहा है। तो क्षाराम्बु बलार्थम क्षीण पानी है, इस पद्धति से उसको यहाँ पे वर्णन किया है। अभी ये क्षारगुण जो है ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में, क्षार बनाने की विधि 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन अध्यायों की तरफ हमने इसलिए ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो हम उतना यश एग्जाम में भी नहीं कर पाए। क्लीन एज अ क्लिनिशियन या फिजिशियन ये तो बिल्कुल ही आवश्यक है। क्षार के 10 गुण यहाँ पे बताए हैं इस श्लोक में, 24 से लेके 26वें श्लोक में, विशेषता अति तीक्ष्ण न होना, न अति तीक्ष्ण,
न अति मृदु, इस प्रकार से अति मृदु नहीं होना, श्लक्ष्ण पिच्छिल शीघ्र गति होना चाहिए उसने, वर्ण में सफेद होना चाहिए, शिखरों वाला ऐसे प्रकार से बताया है, शिखरी इस शब्द का प्रयोग है। यानी जब उसको हम उसको डालेंगे किसी प्लेट में तो रिमेनिंग लाइक अ माउंटेन पीक, ठीक है, इस प्रकार से, या उसको जहां लगाएंगे हम वहां पे वो माउंटेन पीक जैसा दिखना चाहिए। ये उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बता रहा है हमें यह गुण। सुख निर्वाप्य यानी उसको इजीली निकलने वाला, इस पद्धति से होना चाहिए। न विसंधि न च अतिरूप, न विसंधि यानी उसको ज्यादा वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए, और न च अतिरूप यानी कि वो लगाते ही जलन महसूस हो, इस प्रकार से कष्टकारक नहीं होना चाहिए। अभी ये जो सर्वतो अनुसरण, इस पद्धति से क्षार के 10 गुण होने चाहिए, और ये गुण संबंध संपन्न क्षार जो है वो हर जगह आप इंडिकेशन जहां जहां बताएं उसको प्रयोग कर सकते हैं। विशेषतः जहां प्रयोग किया जाता है उसको, उस पर वहां उस जगह पे उस व्यक्ति को जैसे चूसने जैसी संवेदना होती है, ऐसा लगता है कि मानो शरीर के अवयवों को पीड़ित कर रहा हो, और इस प्रकार से वो चारों ओर फैलता हुआ दोषों को माने जड़ से उखाड़ रहा हो, वह अपना लेखन कर्म करने के बाद अपने आप वेदना रहित हो जाता है और स्वयं शांत हो जाता है। एंड इसका मतलब वो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट करता, अपने आप वह शांत हो जाता है, ठीक है। सुश्रुताचार्य जी इन 8 गुण और 8 दोषों का भी सुश्रुत सूत्र स्थान 11वें अध्याय में वर्णन करते हैं। यहाँ पे वाग्भटाचार्य जी हमें क्षार के 10 गुण बताते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए क्षार का प्रयोग एक्चुअल कैसे किया जाता है उसके बारे में अभी देखेंगे। क्षार साध्य गदे यानी क्षार साध्य जो व्याधि बताया है पहले, इंडिकेशन जो हम देख चुके हैं, उस क्षार प्रयोग द्वारा ठीक होने वाले अर्बुद इत्यादि रोगों में छेदन लेखन रक्तस्रावन करने के बाद विशेषतः अगले भाग में मुलायम वस्त्र में लपेटे हुए शलाका द्वारा क्षार को लगाना चाहिए और 3 मिनट तक उसे वहां पे रखना चाहिए। अभी यहाँ पे ग्रंथों में जो बताया है वो मात्रा शतम उपेक्षे, ठीक है, यानी शत मात्रा यानी 100 मात्रा तक वहां पे रखना चाहिए, यानी लगभग 3 मिनट तक, ठीक है। अभी आगे थोड़े डिटेल्स बताए हैं कि अर्शों पे यानी हिमोराइड्स एक्सटर्नल पाइल्स के लिए बुदवलियों के ऊपर अर्शों की उत्पत्ति होने पर अर्शो यंत्र से बुदद्वार को चौड़ा करके अर्शों पर क्षार का प्रयोग किया जाता है और यंत्र के मुख को हाथ से ढक देना चाहिए। आगे जो बताया है वह वर्त्म रोग जो एक नेत्र विशेष रोग है, तो वर्त्म रोग में वर्त्म को उल्टा करके यानी जिसे हम मराठी में पापनी कहते हैं, नेत्र के काले भाग को रुई के फाया से ढक के क्षार का प्रयोग करना चाहिए। यह क्षार का लेपन कमल की पंखुड़ी बराबर पतला होना चाहिए, यानी उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, तो वो कमल के पंखुड़ी इतना। इसी प्रकार पतला लेप नासारभूत यानी नेजल पॉलिप के लिए भी करना चाहिए। अभी आगे और विशेषतः 30वें श्लोक में विचार बताते हैं नासार्ष के बारे में, प्रत्यादितम। इस श्लोक में सूर्य की ओर मुख करते हुए लेटे हुए नासार्ष के रोगी की नासिका को भली भांति ऊपर की ओर उठाकर उस अर्श के ऊपर क्षार का प्रयोग 50 मात्रा काल तक उस क्षार को वहां पे लगा देना चाहिए। अभी यहाँ पे मात्रा काल बताया है 50, ठीक है, यानी लगभग 1.5 मिनट, ठीक है। आगे क्षार का जो कर्णार्श में विषय तद्वत अर्शसी कर्णजे, इस प्रकार से यहाँ पे जो श्लोक आया है लास्ट में, यानी कर्णार्श जो रहेगा यानी ईयर पॉलिप जो रहेगा उसमें भी अर्श के समान ही उसका प्रयोग करना चाहिए, यानी 50 मात्रा काल तक, इस प्रकार से बताया। आगे है यहाँ पे पश्चात कर्म बताया है कि क्षार का पश्चात कर्म ऊपर ऊपर जो काल बताया है 100 मात्रा या 50 मात्रा, उसके बाद कोमल वस्त्र अथवा रुई से क्षार द्रव्य को पोंछ लेना चाहिए और वहां पे घी तथा शहद का लेप देना चाहिए। क्षार दग्ध स्थान जो है वो दूध या मस्तु, मस्तु यानी दह्याची निवड़े अपन मन तो,
यानी वो दधि का ऊपर का पानी रहेगा उसको कहा जाता है। विशेषतः ये ऑर्गेनिक जो है माइल्ड इस प्रकार का एसिटिक एसिड ही रहेगा। कांजी भी प्रयोग आप कर सकते हो और इन द्रव्यों का वहां पे सेचन करना चाहिए। इससे क्या होता है, दाह जनित जो पीड़ा होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, वह कम हो जाता है। और इसके बाद फिर यष्टि मधु यानी ज्येष्ठ मध, मुलेठी इत्यादि मधुर तथा शीतल द्रव्यों के चूर्णों को घी में मिलाकर वहां पे लेप देना चाहिए, जिसमें बहुत ही अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टी रहती है। तदनंतर रोगी को अभिसंधि पदार्थों को खिलाना चाहिए, जैसे उड़द है, दही है, जिससे क्षार से जलाया गया जो व्रण स्थान है वहां पे क्लेदयुक्त वह होके दोषों को बाहर निकाल देता है। इस प्रकार का पश्चात कर्म जो है विशेषता वाग्भटाचार्य जी हमें बताते हैं। अभी क्षार दग्ध का जो है वो डिटेल्स और देखने से पहले हम थोड़ा सा क्षार प्रयोग किस पद्धति से व्यवहार में किया जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें, ठीक है? तो क्षार एप्लीकेशन किस पद्धति से किया जाता है देखते हैं पहले, और एक वीडियो चलाते हैं। तो विशेषतः बाह्यार्ष के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया, ठीक है? तो ये सब चीजें जो है वो डिस्क्रिप्शन है, क्षार कैसे बनाया जाता है, तो इसको आगे ले जाएंगे हम। देखिए ये पेशेंट की हिस्ट्री बताई है, ब्लीडिंग पाइल्स है पेशेंट को, वो प्रोट्रूडिंग यानी बाह्यार्ष से है, और वह ब्लीड भी होते थे विशेषतः मल प्रवृत्ति के वक्त। ये कंप्लेंट्स उनकी 2 साल से थी, और विशेषतः 7 o'clock और 11 o'clock पोजिशन जो है बाह्यार्ष की, उस जगह पे उनको आरक्ष था। तो ये थोड़ा सर्जिकल प्रोसीजर होने की वजह से इसको पूरा एंटीसेप्टिक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना जरूरी है। लोकल एनेस्थीसिया भी 2% डायलोकेन का दिया जा सकता है, क्योंकि उससे वेदना रहित प्रोसीजर होती है। तो ये कॉम्बिनेशन आज की चिकित्सा में किया जाता है। बहुत सारे शल्य तंत्रज्ञ आयुर्वेद सर्जन जो है वो लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं ताकि पेशेंट को ज्यादा तकलीफ ना हो। तो बाद में फिर एनल डायलेटर का यूज किया जाता है, क्योंकि इसको अर्शो यंत्र भी कहा जाता है, यंत्र में हमने देखा था, उससे डायलेटेशन हो जाता है कि वो अर्श जो है वो पूरे से बाहर आ जाए और इसको अच्छे से हम एप्लीकेशन कर सकें। एक छिद्र, द्वि छिद्र, ऐसे हमने अर्शो यंत्र के प्रकार देखे, ठीक है? देखिए तो थोड़ा सा वो कम जगह होने की वजह से हमें पाइल मास नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से। मसा यानी जो मसा जहाँ है उसको वहां पे देखिए, अर्शो यंत्र को देखिए, क्षार है ये, प्रतिसारणी तीक्ष्ण क्षार यूज किया जा रहा है। देखिए वो सेमी सॉलिड है, फिर ये जो छिद्र उसको रहता है वहां पे, अर्शो यंत्र के छिद्र को वहां पे पाइल्स लिया जा रहा है, और फिर 11 o'clock पोजीशन पे जो मस्सा था एक्सटर्नल पाइल, तो उसको वहां पे लगाया जा रहा है। अच्छे से उसको लेपन किया जा रहा है। तो 1 मिनट तक उसको जो है वहां पे उस क्षार को रखा, फिर उसको लेमन जूस नींबू के रस से उसको वहां पे धोया जा रहा है, क्योंकि क्षार जो है वो अल्कली है और नींबू रस जो है वो अम्ल है, तो वहां पे ज्यादा दहन नहीं होगा, अनावश्यक मात्रा में धातु जो है वो पाक नहीं होगा। वो 11 o'clock के बाद फिर 7 o'clock पोजीशन पे जो अर्श है वहां पे वो छिद्र वाला अर्श यंत्र लेके उसको एक्सपोज किया है, और फिर वहां पे ये जो क्षार है फिर लगाया जा रहा है, तीक्ष्ण क्षार है ये, ठीक है? तो इस पेशेंट को 2 जगह पे क्षार एप्लीकेशन किया गया है।
तो 60 सेकेंड्स वहां पे रखा है, फिर लेमन जूस से उसको धोया है। सो ज्यादा जो क्षार है उसके लिए गॉज यूज किया जा रहा है और फिर वहां से उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद की जो क्षार, अग्निकर्म, शस्त्र कर्म, ये सब विद्या है, रक्त मोक्षण, तो ये सब मिला के आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा होती है, न कि केवल ओनली सर्जिकल काटना। ठीक है, उसको फिर क्लीन किया जा रहा है। तो आप उसको देखते हैं, जंबू सदृश यानी जामुन के रंग का, वो वायलेट कलर का, जामुन के रंग का उसको स्वरूप आना चाहिए, ताकि वहां पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो जाता है और वहां पे जलन है और बर्निंग सेंसेशन कम होने के लिए वहां पे नारायण तेल का पिचू रखा जा रहा है और एनल पैक दिया जाता है। ठीक है, एटलीस्ट वो 12 आवर्स तक रखा जाता है और फिर 7 दिनों बाद आप पोस्ट फॉलोअप के लिए देख सकते हैं। ठीक है, प्रोक्टोस्कोप या आर्ष यंत्र से वहां पे देखा जा रहा है वो स्थिति क्या है, फिर 14 दिन बाद फॉलोअप रुग्ण का देखा जा रहा है। तो जो इन्फ्लेमेशन था वो मसों का बिल्कुल कम हो गया है और 30 दिन बाद फिर एक बार फॉलोअप लिया जाता है। ये बहुत जरूरी है पश्चात कर, क्योंकि उसकी स्थिति क्या है। देखें तो प्रोक्टोस्कोप में बिल्कुल इन्फ्लेमेशन नहीं और मसे भी है वो चले गए हैं। तो दिस इज वेर ये स्लिटेड प्रोक्टोस्कोप है, यानी जिसको खिड़की होती है, देखिए पूरा मांस जो है वो पहले है इस प्रकार से था, यहाँ पे विंडो में दिखा है वो कैप्शन में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो ये पूरा उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है वो अनुभवी चिकित्सक बहुत अच्छा उसका उपयोग क्षार कर्म का जो है वो कर सकता है। ठीक है, आगे जाएंगे। तो ये जो क्षार कर्म किया, क्षार दग्ध जो व्रण हो जाता है उससे, उसके रोपण के लिए यहाँ पे कुछ विधियां बताई है। यदि गहरी जड़ होने के कारण क्षार द्वारा जलाया गया बवासीर यानी हिमोराइड एक्सटर्नल पाइल जो है उसके मस्से अगर क्षीण नहीं होते हैं, तो कांजी के तलहटी में जमा हुआ पदार्थ जेष्ठम, तिलक, तिलकल्क, इनको समभाव लेकर वहां पे लेप लगाना चाहिए। यानी क्षार से भी अगर उसको जलता नहीं है तो और एक पदार्थ है मिश्रण यहाँ पे बताया है, अर्शों का मूल जो है वो उससे मुलायम हो जाता है और फिर क्षार प्रयोग किया जा सकता है और इससे जो मस्सा है वो निकल जाता है। अब याद है कि ये सम्यक दग्ध लक्षण जो है, जैसे हमने वमन विरेचन बस्ती में देखा था, हीन योग, अति योग या सम्यक योग, वैसे ही ये दग्ध यानी दाह किया है क्षार से, तो उसका सम्यक दग्ध का लक्षण यहाँ पे बताया है, पक्व जंबु असितम, यानी पके हुए जामुन के फ्रूट के समान उसका रंग आना चाहिए, तो ये सम्यक दग्ध हुआ है। देखिए जामुन का पिक्चर है और ये क्षार लगाने के बाद जो चित्र बाह्यार्ष का दिखाई देता है वो, इस प्रकार से उसको जामुन के समान जो है वो अगर आ जाए तो उसको सम्यक दग्ध समझना चाहिए। दुर्दग्ध कब समझना चाहिए, वो व्रण का मुख अगर तांबे की लालिमा का हो जाए, वहां पे चुभने जैसी वेदना होती है, खुजली आ जाती है, तो उसको दुर्दग्ध यानी अति तीक्ष्ण क्षार उपयोग हुआ या ज्यादा समय तक उसको रखा, उस वक्त दुर्दग्ध लक्षण उत्पन्न हो गए। और इस स्थिति में दुर्दग्ध रूप में उसको जो है वो पुनः सम्यक दग्ध करने के लिए कुछ प्रयोग किए जाने जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने प्रोसीजर्स देखे। यहाँ पे हमें अर्शो यंत्र लगेंगे, ठीक है, लाइम जूस लगेगा, ठीक है, अगर जरूरत होगी तो नीडल्स भी लग सकते हैं,
स्पीचेस लगाने के लिए इस प्रकार से ये सब तैयारी लगेगी और फिर हम ये विधि करेंगे। ये कोई क्षार है प्रिपेयर्ड, इस पद्धति का तैयार हो जाता है, उसके ऊपर कुछ पानी भी दिखाई दे सकता है। ये जो है क्षार सूत्र, ये विशिष्ट पद्धति डेवलप की गई है। हालांकि क्षार सूत्र के भी रेफरेंसेस हमें ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन ये विशेषतः वाराणसी में जो शल्य तंत्रज्ञ डॉक्टर देशपांडे सर थे, उन्होंने डेवलप किया हुआ प्रोसीजर है एक क्षार सूत्र नामक। इसके डिटेल्स में हम आज नहीं जाएंगे, आप हमारा आज का विषय वह नहीं है, आगे जाएंगे। विशेषतः अतिदग्ध लक्षण जो है उसमें रक्तस्राव हो जाता है, रुग्ण को मूर्छा आ सकती है, दाह ज्वर इत्यादि उसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं, और फिर वो जो विशेष राग पिपासा मृत्यु भी हो सकती है। इस अतिदग्ध में विशेष करके जो जरूरी है, अतिदग्ध हो जाने पर प्रमुख रूप से अम्ल द्रवों को, क्योंकि क्षार को न्यूट्रल करने के लिए उसको एसिडिक मटेरियल लगेगा, विशेषता कांची या मस्तू यानी दही के ऊपर का द्रव पानी जैसा, उसका सेचन करना चाहिए। तिलों को पीस कर यानी सीसेम सीड्स को पीस कर तिलक अलक मधु और घृत उसमें मिलाकर वहां पे लेप करना चाहिए, और साथ ही वात एवं पित्त शामक चिकित्सा और सर्व प्रकार के शीतल उपचार करने चाहिए। अम्ल रस स्पर्श में शीतल होता है और क्षार उसके साथ मिलकर मधुरता को प्राप्त कर लेता है, और इस प्रकार क्षार से उत्पन्न जो अति यानी दग्ध हुआ है तो वो जलन बिल्कुल कम हो जाती है। पीने के लिए भी आप अम्ल पेय या अम्ल शरबत दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं, इससे उसका तर्पण भी होगा और ये क्षार प्रयोग की वेदना जलन जो है वो कम होने के लिए उसकी मदद हो। तो क्षार प्रयोग से हानि और लाभ ये जो बताए हैं ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बताए हैं, जैसे विषाग्नि शस्त्र शनि मृत्यु तुल्या, अयोग्य चिकित्सक द्वारा अगर प्रयोग किया गया क्षार विष अग्नि शस्त्र वज्र ये जो है वो मृत्यु के समान कष्टकारक होता है, और वही अगर योग्य चिकित्सक द्वारा उसको प्रयुक्त किया गया तो अति गंभीर भयावह रोगों को भी वह शीघ्रता से शांत कर देता है। इस प्रकार से यानी कुशल वैद्य की, कुशल शल्य तंत्रज्ञ की वहां पे आवश्यकता है, और तो ही क्षार प्रयोग हमने करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही कारगर ऐसी आयुर्वेद की शल्य तंत्र की चिकित्सा है। उसके बाद क्षार कर्म का वर्णन देखने के बाद वाग्भटाचार्य जी अग्नि कर्म का विस्तृत वर्णन करते हैं। अग्नि यानी अग्नि का, फायर का साक्षात उपयोग करना, गर्म वस्तु का उपयोग करना, ठीक है, वो केवल क्षार जैसी गुण क्षारात अपि श्रेष्ठ तस्मा तद्दग्धानां असंभवा। ये अग्नि कर्म का प्रयोग कहाँ पे करना है उसकी प्रधानता यहाँ पे बताई गई है, प्रशस्ति बताई है कि अग्नि कर्म क्षार कर्म से भी उत्पन्न उत्तम है, इसलिए उसको अंत में बताया है। देखिए, क्योंकि अग्नि द्वारा दागे गए अर्श इत्यादि रोग फिर कभी उभरते नहीं है, और जो रोग औषध प्रयोग क्षार कर्म शस्त्र कर्म करने के बाद भी सिद्ध नहीं होते हैं, जिनमें पूर्ण सफलता नहीं मिलती है, उनमें अग्नि कर्म से सिद्धानाम प्रसाधना यानी अग्नि कर्म से उसमें पूर्ण सफलता मिल जाती है, इसीलिए सम्यक अग्नि कर्म जो है वो श्रेष्ठ बताया है। तो अग्नि कर्म कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो विशेषतः त्वचा रोगों में कैसे किया जा सकता है, विशेषतः मश यानी मत्सा मोल्स, अंगग्लानी यानी विशेषतः किसी अवयव जो है उसका शोष हो गया है, शिरो रोग, अधिमंथ जैसा नेत्र विकार, चर्म कील, तिल इत्यादि जो त्वचा विकार है उनमें, इस प्रकार विशेषतः उसको कौन से वस्तुओं से अग्नि कर्म करना चाहिए वो भी बताया है। वर्ती यानी रुई या कपड़ा की बत्ती, इसने इस चीज से उसको अग्नि कर्म कराना है। गाय का दांत,
सूर्यकांत मणि या स्फटिक या फिर लोहे की शलाका। ठीक है, अभी आदि यह शब्द प्रयोग यहाँ पे आया है तो पिप्पली भी यूज की जा सकती है, यानी पाइपर लॉन्गम स्टील। देखिए यहाँ पे चित्र दिया है, और क्या यूज किया जा सकता है, बकरी की मेंगनी यूज की जा सकती है। देखिए यहाँ पे अजाशक्र, उसको गर्म करके वहां पे चट यानी उसका दाह किया जा सकता है। गोदंत यानी गाय का दांत। ठीक है, मधुच्छिष्ट यानी मेन स्नेह द्रव्य का भी प्रयोग किया जा सकता है। गुड़ का उपयोग किया जाता है, हल्दी का, ज्येष्ठ मध का, सर्जरस का, इनको गर्म करके वहां पे दाह देना है। ठीक है, या दाग देना है। तो ये जो पद्धति है, हालांकि अग्निकर्म हमें देखने में थोड़ा सा पाशवी महसूस होता है, लेकिन उसकी अगर हम सुपर फाइन पद्धति से अगर करें रुग्ण को, अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन करने के, उसको उसका सत्व या सहत्व बढ़ा के, तो उसके अतिशय बिल्कुल कारगर स्वरूप से उसको किया जा सकता है। मांस रोगों में भी अग्निकर्म बताया है, विशेषतः अर्श यानी बाह्यार्श, भगंदर, ग्रंथि रोग, नाड़ी व्रण, दुष्ट व्रण, अर्बुद यानी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूमर्स, गंडवाला, इसको विशेषतः शहद, स्नेह द्रव्य, जांबोष्ठ यंत्र, इसको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 25वां अध्याय यंत्र विधि अध्याय में जांबोष्ठ शलाका का उल्लेख है, यानी जंबू के सदृश, जामुन के सदृश उसके जो है वो मुंह रहेगा उस शलाका का, इस प्रकार या गुड़ से उसको दाह किया जाए जाना चाहिए। ऐसे मांसगत व्याधियों में उसका वर्णन किया गया। सिरादि रोगों में जो वर्णन है, विशेषतः श्लिष्ट वर्त्म इत्यादि श्लोक में बताया है वो। श्लिष्ट वर्त्म यानी यह विशेष एक नेत्र रोग है, जिसका वर्णन हमें अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र के 8वें अध्याय में मिलता है। रक्तस्राव, विशेषता सीरा का अनुचित वेध जब हो जाए, तो ऐसे स्थितियों से स्नायु, संधि, अस्थि, दंत नाड़ी, यहाँ पे विशेषतः मधुस्नेह यानी जैसे हमने देखा वैक्स, बीज वैक्स, जांबोष्ठ यंत्र और गुड़, इन चीजों से वहां पे दाह या अग्निकर्म कराना है। ठीक है, अग्निकर्म का निषेध भी बताया है, कहाँ पे उसको नहीं करना है, इस स्लाइड को बाद में देखेंगे। देखिए आज की भाषा में देखिए तो सायाटिका व्याधि में किया जाता है, मोल में किया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वाइंट प्रॉब्लम जैसे फ्रोजन शोल्डर है, बैक पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से यानी जिसको अस्थिगत वाद भी कहा जाता है, टेनिस एल्बो, ऐसे व्याधियों में, फिर प्लांटर फेसाइटिस जो है, सर्वाइकल पेन है, जो विशेषता कॉर्न और वार्ट्स में भी किया जाता है, सेनाइटल ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है उसमें भी, बाह्यार्श जो है उसमें किया जा सकता है। ठीक है, अभी अग्निकर्म कहाँ नहीं करना चाहिए उसके बारे में जाएंगे। अभी अग्निकर्म का निषेध जो है, तो विशेषतः इसी अध्याय में जो 4 से लेके 7 नंबर तक जो श्लोक आए हैं, जहाँ पे क्षार प्रयोग का निषेध बताया है, उन रोगों में भी, उन रोगियों में भी अग्निकर्म नहीं करना है। और फिर और कुछ चीजें यहाँ पे जोड़ दी है, शल्य का प्रवेश अगर शरीर में हुआ है, कोष्ठ अगर रक्त से भरा है, या जिनका कोष्ठ फट गया है, इस प्रकार के व्रणों से पीड़ित रोगों में या व्यक्तियों में अग्निकर्म नहीं करना है। उसके बाद सुदग्ध यानी सम्यक दग्ध के लक्षण बताया है, शिरावेद आदि द्वारा किए गए रक्तस्राव का भली भांति रुक जाना, अग्निकर्म करते समय त्वचा दाह के समान शब्द सुनाई देना, यानी जो स्किन बर्न होती है वैसा शब्द आ जाता है वहां पे, सर सर इस पद्धति से, तो वह सुनाई पड़ता है, वहां से लसिका युक्त स्राव आता है, और उसका कलर जो है वो पके हुए ताल फल के समान, इस स्लाइड में देखिए ताल फल जो है उसके समान उसका रंग हो जाता है। ओके, तो ये ताल वृक्ष का फल है, उसका कलर थोड़ा सा ब्लूइश ब्लैकिश रहता है, तो उसके समान उसका रंग आना चाहिए। ठीक है, या और उसको उपमा दी है कपोताभम यानी डार्क पीजन, जो पीजन का कलर कपोत का यानी पारावत या मराठी में पारवा कहते हैं हम। ठीक है, उस ग्रे कबूतर के कलर के समान उसका रंग होना चाहिए। ये सामान्यतः जो है वो लक्षण बताए हैं सम्यक अग्निकर्म के। ठीक है, अभी ये आगे जाते हुए थोड़ा सा और हम फिर एक बार अग्निकर्म के और जाएंगे, किस पद्धति से देखिए अग्निकर्म किया जाता है, तो और थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। ओके,
तो विशेषतः अब जो हम दिखाई दे रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो वो जो है अब वो बाहू के बारे में दिखाई, यानी शोल्डर के लिए। अभी मेरे दिखाने का ये प्रयोजन था इसमें, देखिए ये विशेष यंत्र भी डेवलप किया हुआ है, ये डॉक्टर अर्जुन आदि है, इन्होंने एक उसको ऐसे बर्निंग करते हुए आप देखोगे, रखोगे तो रुग्ण शायद डर सकता है, इसलिए इन्होंने डॉक्टर साहब ने पेन जैसा एक यंत्र डेवलप किया है, उसी में से उसको फ्लेम निकलती है और वो जो उसका टिप है वो गर्म हो जाता है, और फिर उसको बंद करके वो जो टिप गर्म होता है उससे सबसे पेनफुल एरिया जो है वहां पे उस रुग्ण को जो है वो दाह दिया जाता है या चटका लगाया जाता है, ठीक है। तो ये अवबाहु या फ्रोजन शोल्डर कहेंगे। और देखिए ये उपस्थ आता है, परिचारक है, इसके हाथ में आपको घृत कुमारी या एलोवेरा जो है उसका पल्प दिखेगा, तो बिल्कुल उसको दाह करने के तुरंत बाद ही उनको वहां पे लगा देना है, ठीक है। देखिए अभी ये गर्म हो गया, तो उन्होंने हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया वो पेन का, बिल्कुल पेन जैसा वहां पे रख रहे हैं। रुग्ण के आंखों से आपको पता चल रहा होगा उसको कितना दाह हो रहा है, ठीक है। देखिए घृत कुमारी वहां पे लगा दिया, एलोवेरा जूस, तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा और हीलिंग जो है वो बिल्कुल तुरंत हो जाएगा, ठीक है। देखिए और एक जगह उसको किया जा रहा है रुग्ण को, बस बिल्कुल ओपीडी लेवल पे ये प्रोसीजर किया जा सकता है, और जिस रुग्ण को उसको आवश्यकता है आवश्यकता अनुसार उसको 7 दिन में या अल्टरनेट डे पे भी या 15 दिन में एक बार भी उसको ये अग्निकर्म जो है बहुत अच्छे से इसको किया जा सकता है। देखिए बैक पेन में और एक पद्धति से हम देखेंगे, ताकि हमें विभिन्न प्रकार की शलाकाएं जो है वो शलाकाएं भी हमें पता चलेगी, ठीक है। तो ये डेवलप्ड पद्धति की अग्निकर्म शलाका देखी हमने, तो ये आगे जो है वो पारंपरिक पद्धति से जो शलाका है वो विशेषता लौह शलाका, देखिए इसको गर्म किया जा रहा है बर्नर से, देखा आपने, मैं फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये शलाका रखी है स्टैंड के लिए, और यहाँ पे एक बर्नर है, क्योंकि शलाका को गर्म करना बिल्कुल सिंपल स्टोव पे पॉसिबल होता नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे किया है, तो इससे बिल्कुल जल्द हो जाएगी। फिर मोस्ट पेनफुल स्पॉट्स जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, देखिए यहाँ पे मार्क किए गए हैं पेन से या मार्कर से, और फिर वहां पे पेंटिंग किया जा रहा है, तो ये एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन के तौर पे लंबर स्पॉन्डिलोसिस या कटिशूल का ये पेशेंट है, इसको पूरा क्लीन किया। देखिए यहाँ पे आपको क्रॉस दिखाई दे रहे हैं, तो ये पहले से मार्क किए हुए हैं, फिर उसको ड्राई कॉटन से जो ज्यादा द्रव है उसको अच्छे से क्लीन कर लिया, ठीक है। देखिए शलाका और घृत कुमारी आप देखेंगे इसको वहां पे जल, ओके। जैसे ही आपको, और एक विशेष बात है अनुभव की, मैं भी अनेकों बार अग्निकर्म कर चुका हूं, पेशेंट पे किया है बहुत सारे, तो मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि जब भी आप उसको क्ले रुग्ण के शरीर को टच करोगे, उस वक्त रुग्ण को थोड़ा सा पेन ना हो इसलिए उसको बताना है कि गहरी सांस लो, और जब वो सांस लेके रोकेगा तब आपने वो शलाका टच करनी है रुग्ण के शरीर को। तो इस पद्धति से अगर आप करोगे तो उसका जो है उतनी वेदना व्यक्ति को, उस पेशेंट को महसूस नहीं होती, और प्रोसीजर जो है वो आसानी से कर सकते हो। सांस रोक के अगर आप उसको करवाएंगे और फिर उसको तुरंत जैसे ही आपने उसको शरीर से हटा दिया उस शलाका को, तो उसको सांस छोड़ने के लिए कहना है। इस पद्धति से अगर आप करते रहेंगे, देखिए एक और एक प्रयोजन था मेरा, सुवर्ण शलाका से भी किया जाता है, तो डॉक्टर चंद्रशेखर देशमुख जो है उनके यूट्यूब से ये लिया हुआ वीडियो है। देखिए सुवर्ण की शलाका है वो पेनफुल स्पॉट पे लखी रहा है, जैसे यहाँ पे ये ब्लैक मार्क किए गए हैं, देखिए यहाँ पे जगह जगह पे, तो ये मोस्ट पेनफुल एरियाज है जिनको दबा के अंगुली से स्पर्श परीक्षा करके फिर दिखाई देता है, और उस स्पॉट पे ये जो हम आर्टरी फोर्सेप है उससे पकड़ के फिर दूसरे छोर से उसको मेनबत्ती से हिट दी जा रही है, तो ये सुवर्ण धातु की शलाका है,
सुवर्ण शलाका से इस प्रकार अग्निकर्म किया जाता है। ठीक है, सुवर्ण शलाका यूज की जाती है, ताम्र शलाका यूज की जाती है, पंच धातु की शलाका यूज की जाती है, मृत्तिका शलाका यूज की जाती है, और जैसे आपने हमने ग्रंथोक्त तो वर्णन देखा कि गुड़ के गुड़ का भी या फिर उसको क्या कहते हैं छप्पर में जो यूज किए थे मराठी में कौल कहते हैं, तो ब्रिक्स के टुकड़े का भी यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे जैसे व्याधियों का स्वरूप है उस प्रकार की शलाका या उपकरण यूज करके फिर उसको इस प्रकार से अग्निकर्म किया जाता है। ठीक है, तो और एक शायद वीडियो बचा है तो उसको भी मैं आपको दिखा दूं कदर के लिए। तो ये तो कम से कम मैं आज तक 150 से 200 बार तो कर चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गया कदर के लिए किस पद्धति से अग्निकर्म किया जाता है। कदर यानी कौन, तो कौन जो है वो बहुत ही ज्यादा बार किया करना पड़ता है, हमें पट्टी लगानी पड़ती है कॉर्न जो है वो, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, फिर एक बार निकल आता है। सर्जरी से भी किया जाता है, लेकिन सर्जरी में भी नेक्रोस टिश्यू थोड़ा भी रह जाए फिर वो बढ़ने लगता है। तो नॉन क्यूरेबल या सॉरी नॉन रिलैप्स ऑफ द डिसीज, अपुनर्भव चिकित्सा अगर करनी है तो कदर के लिए अग्निकर्म ये सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। ठीक है, तो कौन का साइज है उस प्रकार से हमने उसका ये करना है, क्लीन करना है फुट पहले। ठीक है, तो रेड उसका टिप हो जाए तब तक उसको गर्म करना है। जैसे मैंने बताया कि सिंपल गैस पे उसको काफी टाइम लग जाता है, देखिए अभी वो रेड कलर हो गया उसका, यानी पूरी तरीके से वो गर्म हो गई है। और फिर कॉर्न को जो है वो इस पद्धति से ओके, डेड टिश्यू होता है, नेक्रोस होता है, तो जब भी उसको सेंसेशन होगा नेक्रोस टिश्यू है तब तक उसको जलाना है। ओके, तो धीरे 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 जो सेंटर पार्ट है उसको टिप से यानी टोकदार जो है तीक्ष्ण 7 दिन बाद देखिए, तो 7 दिन बाद ये कौन साइज रिड्यूस हुआ है ये फॉलो अप में दिखाई देता है। और एक शलाका फिर पिन पॉइंट शलाका यूज की जाएगी और फिर उसको बर्न किया जाएगा। ओके, तो बर्नॉल या बर्न स्मूथ क्रीम भी यूज की जाती है, बर्न कूल क्रीम भी यूज की जाती है। तो इस प्रकार से हमने अग्निकर्म शलाका का जो है उपयोग किस पद्धति से किया जाता है वो विस्तृत रीत्या ट्यूब में से हमने समझा लिया। अभी इसके बाद ज्यादा बर्निंग कम बर्निंग ये हम समझ सकते हैं, इसलिए मैंने बीच में आपको वीडियो दिखाया। तो सम्यक दग्ध का जो पश्चात कर्म है वो विशेषतः जैसे हमने देखा कि सुदग्धम के बाद क्या किया जाता है, अग्निदग्ध के लक्षण जो है वो हमने देखे, फिर ये दाह लक्षण जो है तस्य लिंगम इस शब्द से हम देखेंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर बर्निंग। तो ताल फल जो है ये अगर कलर आ जाए या फिर पीजन के जैसा डार्क ग्रे कलर आ जाए तो ये सम्यक दग्ध के लक्षण है। अगर दुर्दग्ध और अतिदग्ध जो है वो प्रमाद दग्धवत सर्वे दुर्दग्ध अत्यर्थ दग्ध यो हो, यानी ये जो दोनों प्रकार के प्रमाद है यानी असावधानी से किए जाने वाले वैद्यकृत व्यापक है, ये जल जाने से समान लक्षण प्रायः दिखाई देते हैं। तो अग्निदग्ध के 4 भेद आगे बताए, चतुर्धा तत्तु तुच्छेन सह 4 प्रकार बताए, उसमें तुच्छ या तुच्छ दग्ध, दुर्दग्ध, अतिदग्ध, सुदग्ध या सम्यक दग्ध। तुच्छ और तुच्छ दग्ध जो है ये विशेषतः जो प्रकार बताया है वाग्भटाचार्य जी ने, इसमें त्वचा झुलस जाती है और अत्यंत दाह होता है, परंतु इसमें फफोले या फोड़े नहीं आते, तो ये साधारणतः तुच्छ दग्ध के लक्षण है। आगे दूसरा प्रकार बताया है दग्ध का, दुर्दग्ध, यानी इसमें जलने पर दग्ध स्थान पर फफोले या फोड़े आ जाते हैं और दाह युक्त स्थान पे अत्यंत तीव्र वेदना होती है।
ठीक है, इसे दुर्दग्ध कहा जाता है। आगे दुर्दग्ध यानी अति दुग्ध, इसको कहेंगे हम अति दग्ध के लिए, अधिक जल जाने पर तीसरा जो प्रकार है, तो उसमें मांस के टुकड़े लटक जाते हैं, जले हुए स्थान पर मांस सिकुड़ जाता है, अत्यंत दाह यानी जलन होती है, धुआं निकलने जैसी प्रतीति शरीर में से होती है और अनेक प्रकार की पीड़ा शरीर में होती है, विशेषतः सिरा या स्नायु का नाश होता है उस जगह के, प्यास अधिक लगती है, मूर्छा आती है और गहरे घाव उत्पन्न होते हैं, या किसी किसी को तो मृत्यु भी हो सकती है, इस प्रकार के दुर्दग्ध के, सॉरी अति दग्ध के लक्षण बताए हैं। आगे जो है ये अति दग्ध होने पे उसकी चिकित्सा आवश्यक है, कॉम्प्लिकेशंस या व्यापद इसे कहेंगे। तो तुच्छ दग्ध यानी जो बिल्कुल कम जला है, तो इसमें फिर एक बार उस शरीर अवयव को आग से सेकना चाहिए और फिर मलम या लेप लगाना चाहिए, और वो मलम लेप गर्म औषधियों का होना चाहिए, क्योंकि तुच्छ दग्ध स्थान पर जो पहला प्रकार है, शीत चिकित्सा करने पर वह वहां का अवयव का रक्त जो है वो गाढ़ा हो जाता है और पीड़ा बढ़ती है, इसलिए वहां पे गर्म लेप लगाने की आवश्यकता होती है। आगे दूसरा प्रकार जो है वो दुर्दग्ध है, तो दुर्दग्ध में जिसमें फोड़े आते हैं, ठीक है, तो उसपे वहां पे शीतल चिकित्सा करना जरूरी होती है, और शीतल चिकित्सा के बाद फिर उसको उष्ण चिकित्सा करनी पड़ती है। इस प्रकार दुर्दग्ध में शीतल चिकित्सा पहले करेंगे और फिर उष्ण चिकित्सा करेंगे। आगे चौथा प्रकार जो है वो सम्यक दग्ध है, यानी सुदग्ध भी कहा जाता है। तो सम्यक दग्ध में विशेषतः वहां पे लेप लगाने के लिए बाद में तवक्खीर, तवक्षीर, या जिसको विशेषतः संगजहारत भी कहा जाता है, तवक्षीर को प्लक्ष की छाल यानी क्षीर वृक्ष की छाल, लाल चंदन, गेरू यानी जिसको सुवर्णमाक्षिक भी कहा जाता है, सॉरी सुवर्ण गैरिक भी कहा जाता है, गैरिक, गीलोय यानी अमृता या गुलवेल, इनके चूर्ण को घी में मिलाकर फिर पीस कर वहां पे लेप देना चाहिए। और फिर वहां पे अगर इससे भी लाभ नहीं होता है तो पित्त विद्रोधी की चिकित्सा करनी चाहिए। अब ये पित्त विद्रोधी की चिकित्सा जो है तो विशेषतः वो इस प्रकरण में हमने देखनी चाहिए। अति दग्ध अगर है तो अति दग्ध में विशेषतः पित्त जो विसर्पिक चिकित्सा करनी चाहिए, यानी वहां पे लेप, शीतल द्रव्यों का सेचन, शीतल पेयों का सेवन, इस प्रकार की चिकित्सा है। स्नेह दग्ध यानी तेल से या घी से जला हुआ अगर है तो वहां पे रुक्ष चिकित्सा करनी चाहिए। इस प्रकार से किससे जला हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो सम्यक दग्ध तक तो हमने देखा है, आगे जाएंगे विशेषतः शस्त्र, क्षार, इन पद्धतियों से अगर वो जला हुआ है, अति दग्धे द्रुतम कुर्यात, तो यहाँ पे अति दग्ध की पित्त विसर्प के समान चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा हमने देखा। आगे जाएंगे तो विशेषतः इस अध्याय में जो है वो जो अग्निकर्म चिकित्सा की गई है, तो वो शायद इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स आपको थोड़े से मॉडर्नाइज करने पड़ेंगे, और फिर उसका अगर उपयोग किया जाएगा तो ये संपूर्ण चिकित्सा की दृष्टि से ये उपयुक्त तो हो सकती है। जैसे आज भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है किसी ऑपरेटिव के बारे में, तो वहां पे कॉटराइजेशन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कॉटराइजेशन जो है ये मॉडर्न कंसेप्ट बिल्कुल अग्निकर्म से मेल खाती हुई है, जहां पे कंट्रोल मैनर में करंट या सॉरी अग्निकर्म किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोकॉटरी है, जो विशेषतः हीट कंडक्शन की पद्धति से ही काम करती है, और विशेषतः स्मॉल वेसल्स के ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए या स्मॉल टिश्यू के कट जो है वो हील करने के लिए उपयुक्त रहती है, या मस्से निकालने के लिए भी काम में आती है। उसके आगे जाएंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन जो है, विशेषतः स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो कहा जाता है, वो भी जो है वो अग्निकर्म का ही एक रूप है, ऐसा हम कह सकते हैं। रेडियोथेरेपी भी है, और ये जो एशियन कंट्रीज में मॉक्सिबक्शन, जिसे अग्निकर्म में भी पोत चिकित्सा, पोत कर्म बताया है, तो वो अनुभवी वृद्ध वैद्य कहते थे, तो इस पद्धति से मॉक्सिबक्शन जो है वो भी अग्निकर्म में समाविष्ट हो सकती है। अब देखिए ये जो लास्ट वाला श्लोक आता है, तो विशेषतः
ये बताती है श्रेष्ठता हमें। श्रेष्ठता किस चीज की बताती है? विशेषता, जो शस्त्र क्षार अग्निकर्म ये मृत्यु के प्रधान आयुध या शस्त्र है, अर्थात इनका समुचित प्रयोग अगर ना करे तो मृत्यु हो सकती है इसीलिए। परंतु इनका अगर आप तस्मात तान सम्यक अवचारे, यानी इसका सम्यक अगर प्रयोग किया तो अत्यंत उपयुक्त ऐसी ये चिकित्सा पद्धति है। इस प्रकार यहाँ पे अग्निकर्म चिकित्सा जो है, या क्षाराग्निकर्म चिकित्सा अध्याय जो है वो समाप्त होता है। इस पद्धति से हमने लगभग, जैसा कि डिस्कस किया था विद्यार्थियों से, 16 से 30 अध्याय जो स्नेह विधि से लेके क्षाराग्निकर्म विधि तक आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आवश्यकता होगी तो और किसी विषय पे चर्चा करेंगे और फिर YouTube के माध्यम से हम दोबारा मिलेंगे। यहाँ हम आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। आपके कुछ अगर प्रश्न है तो वो जरूर चैट बॉक्स में डालिए, उस पे हम आज विचार करेंगे, उसका उत्तर देने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।